हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया जॉब्स हब। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप देख रहे हैं मैं गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूं, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहां पर आप देख सकते हैं gmcbhopal.net। तो इसकी मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर हूं। यहां पर मैं ऑफिशियल वेबसाइट में आप जो नोटिस सेक्शन में इधर लेफ्ट साइड पर देख रहे हैं, यहाँ पर एडवर्टीजमेंट क्लिप पर क्लिक कर आप यहाँ से एक जो नोटिफिकेशन जारी की गई है गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल की तरफ से, उसके बारे में यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ये नोटिस जारी की गई है, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में एमपी ऑनलाइन से प्राप्त मेरिट सूची के आधार पर दिनांक 2/8/2021 स्क्रूटनी एवं दस्तावेज सत्यापन उपरांत चयनित अनुसूचित जाति श्रेणी उम्मीदवारों की सूची। तो फ्रेंड्स, एमपी ऑनलाइन के माध्यम से जो स्टाफ नर्स पद हेतु आपसे आवेदन मांगे गए थे, तो उसकी जो रिजल्ट आने के उपरांत जो अभी दस्तावेजों का सत्यापन हुआ है 2/8/2021 को, कैटेगरी वाइज जो दस्तावेज सत्यापन हो रहे हैं, तो 2/8/2021 को जो एससी कैटेगरी का दस्तावेजों का सत्यापन हुआ, उसके उपरांत जो कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए हैं उनकी सूची यहां पर जारी की कर दी गई है, उनकी लिस्ट यहां पर रिलीज कर दी गई है। तो यहां पर हम आप देख रहे हैं ये डाउनलोड फाइल जो दिया हुआ है, इसमें आपको यहाँ से वो लिस्ट मिलेगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बिना डिले किए हुए हम इस लिंक को ओपन करते हैं। यहाँ से लिंक ओपन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति भोपाल। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो दिनांक 1/6/2020 के अनुसार परिचारिका संवर्ग स्टाफ नर्स की अनुसूची के आधार पर गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल से संबंधित चिकित्सालयों में स्टाफ नर्सों के पदों को भरे जाने हेतु यहाँ पर जो सूची ये जारी की गई है, दिनांक 29/7/2021 चयन समिति के अनुमोदन उपरांत स्वशासी स्टाफ नर्स के अनुसूचित जाति श्रेणी यानी एससी कैटेगरी की ये लिस्ट यहाँ पर जारी की गई, पद में नियुक्ति प्रदान की गई, जिसका विवरण निम्नानुसार है। तो यहाँ पर जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं दस्तावेज के सत्यापन और स्क्रूटनी के उपरांत, उनकी लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है। तो यहाँ पर आप अपना नाम देख सकते हैं। इस सूची में सबसे पहले क्रम संख्या दिया हुआ है, फिर चयनित उम्मीदवार ने सिलेक्टेड कैंडिडेट का नाम दिया हुआ है, सिलेक्टेड कैंडिडेट के फादर और हस्बैंड का नाम यहाँ पर दिया गया है, कैंडिडेट का निवास कहाँ का है और निवासी कहाँ का है उस ये यहाँ पर दिया गया, कैंडिडेट की जन्मतिथि यहाँ पर दी गई है और आदेश क्रमांक संख्या और दिनांक दी गई है। आदेश क्रमांक संख्या जो है वो यहाँ पर दी गई है और डेट भी दी गई है। आदेश क्रमांक संख्या आप देख रहे हैं 23/190/99/23/182/89 ऐसे करके आदेश क्रमांक संख्या और डेट यहाँ पर 2/8/2021 जो दी गई वो है। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स अनुसूचित जाति श्रेणी के हैं, एससी कैटेगरी के हैं, वो अपना नाम इस लिस्ट में देख सकते हैं। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका नाम यहाँ पर दिया गया है। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने अपना दस्तावेजों का सत्यापन कराया था, स्क्रूटनी कराया था, वो अपना नाम यहाँ पर लिस्ट में देख सकते हैं। तो ये लिस्ट आपको कहाँ से मिलेगी, उसका लिंक मैंने आपको पीछे बता दिया था, वहाँ से आप ये फाइल डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ पर आप अपना नाम, फिर पापा का नाम, फिर आपका निवास कहाँ का है, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आदेश क्रमांक संख्या और डेट यहाँ पर दी गई है। तो ये एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स की लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था वो जल्द से जल्द यहाँ पर अपना नाम देख लें अपना नाम, और जिनका दस्तावेज सत्यापन हुआ था मेरिट के बाद, जो मेरिट सूची में जो प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनका दस्तावेजों का सत्यापन जो अभी एससी कैटेगरी का हुआ है, दिनांक 2/8/2021 में सत्यापन हुआ था एससी कैटेगरी के दस्तावेजों का। तो जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स थे उनके दस्तावेज के सत्यापन उपरांत ये सूची यहाँ पर जारी कर दी गई है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कवर कर दी है। तो जो भी एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर जाकर एक बार अपना नाम चेक कर सकते हैं। यह फाइल आपको कहाँ से मिलेगी एक बार फिर से हम आपको दिखा दे रहे हैं, सारा प्रोसेस यहाँ से आप फिर से देख सकते हैं। आप सबसे पहले गूगल पर जाइए, gmcbhopal.net ये साइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है गांधी मेडिकल कॉलेज की, इसको आप यहाँ पर गूगल में डालेंगे, फिर सर्च करेंगे तो आपको गूगल
ये GMCBhopal.net की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ से आप जो देख रहे हैं ये लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर एक एडवर्टीजमेंट दिया गया है, एडवर्टीजमेंट करके कॉलम है यहाँ पर, ये देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके पास सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर यह इंटरफेस आने पर यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो थर्ड नंबर की नोटिफिकेशन यहाँ पर दी गई, यह है अनुसूचित जात के जो कैंडिडेट्स हैं स्क्रूटनी एवं दस्तावेज सत्यापन उपरांत 2/8/2021 को हुआ है उनकी सूची यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर डाउनलोड फाइल लिखा है तो यहाँ से आप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको कवर कर दी है, तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।